इदरीस साहब है, एनडी यूनिवर्सिटी साहब का ताल्लुक है और मौजू ये है कि मैं पागल हूँ। ठीक है भाई जी। जनाब सदर, ना मेरे नैन है बादामी, ना किसी उमंग का मुझ में इजहार, ना किसी उमंग का मुझ में इजहार, ना मेरी आवाज़ में जुनैद सा जादू, फिर भी सरेआम जुर्रत का इकरार है, सफ़र जमी पे और हमराह बादल, हाँ मैं ही हूँ दुनिया का सबसे बड़ा पागल। जनाबे वाला, अगर इजाजत हो तो आज 11th आर में मैं भी एक मासूमाना सवाल पूछ लूं। ये किनारा चला के नाव चली, कहिए क्या बात ध्यान में आई। आप लोग सोचते रहिए, मैं आगे चलता हूँ। जहाँ वाला सवाल ये है कि अगर मैं पागल हूँ तो किसके पीछे? किसी दोशीजा के पीछे? बिल्कुल नहीं। किसी औहदे के पीछे? बिल्कुल नहीं। किसी प्लॉट परमिट के पीछे? बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो पागल हूँ कर्शी की गाड़ी के पीछे, और मैं ही क्या, यहाँ जितने मुकर्रर आए थे आएंगे सब ही पागल हैं। क्यों? कर्शी की गाड़ी, न तू आएगी न ही चैन आएगा। लेकिन जनाबे वाला, इंतजामिया मेरी बातों का बिल्कुल भी बुरा ना माने, क्योंकि मैं तो पागल हूँ। जनाब वाला, अब पागलपन की मिसालें आपको और क्या बताऊँ। मैं तो पागल हूँ, जब भी कुछ करता हूँ पागल हो जाता हूँ। दम वाला, मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब वाला, होता कुछ ही है, जब पागल बोलना शुरू करता है तो बताता है कि मुफक्किर आलम ने यानी आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी कि दुनिया में दो तरह के पागल होते हैं। पहले वो कि जिसे दुनिया पागल कहती है मगर वो पागल होते नहीं है, लेकिन कुछ दूसरे तरह के पागल जो पागल होते नहीं हैं लेकिन दुनिया उसे पागल कहती है। आप लोग इतना गौर से क्यों सुन रहे हैं? मैं तो पागल हूँ। जनाबे वाला, वक्त की क्या मिसाल दूँ, चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और मैं क्या बताऊं कि मैं तो सिंध असेंबली जब जाता हूं ये सोच कर जाता हूं कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन वहां के हुक्मरान मुझे बताते हैं कि आप अंदर नहीं आ सकते, तो मैं समझ जाता हूं कि मैं पागल हूं, क्योंकि मैं तो ये बताने गया था कि सिक्योरिटी। जनाब वाला, इनको क्या लगता है ये घंटियां बजाएंगे तो मैं यहाँ से उतर जाऊंगा? अरे मैं तो पागल हूँ, इतनी आसानी से नहीं जाने वाला, और मुझे फख्र है कि मैं पागल हूँ, क्योंकि दुनिया ने आइंस्टाइन, गैलीलियो और फिसागोरस को भी कभी पागल ही कहा था। नाबे वाला, मैं पागल तो हूँ लेकिन इतना पागल नहीं कि टाइम ओवर कैरी कर जाऊँ। हाँ भाई, कैसा दिया? वेल डन।